पश्चिम बंग हुगली सैकल यात्रा पुरी विश्वास न होते कथाटा सत। पश्चिम बंगर एक दंपति सैकल रे पुरी आसी पाखापाखि 700 किलोमीटर ऊर्ध सैक्लिंग कर शेष पुरी पहुंचती। आपको से सैकल प्रथम दृश्य देखा चाहिए। आप देखो यहाँ लिखाई ऑल इंडिया कपुल टूर अर्थात भारत वर्ष रे स्वामी स्त्री उभय चारिआडे बुलिबे सैक्लिंग बुलिबे एवं मातृभूमि लोकाल बार्ता दी जाएगी। बी ब्यूटीफुल मेक ब्यूटीफुल बार्ता दी जाएगी। ये गोटे निरा पदक्षेप, ये गोटे निरा प्रयास। कौन पाई से सैक्लिंग करके आसी 700 किलोमीटर ऊर्ध सैक्लिंग करके आस सहित ही आलोचना करें। किंतु ता पूर्व सैकल टिके दृश्य देखा चाहिए। ये सैकल बैटेरी चालित सैकल एवं आपड़ देखुं सैकल तमाम इंस्ट्रुमेंट्स रही कौट जो भी रोचे टी ठिया पड़ते कि जेहेतु पुरी की आसती अतिथि देव हम निश्चित भाव में से अतिथि आम सहित आलोचना करवा। आपको स्वागत करते हैं अर्गस न्यूज़ पर और वेलकम टू पुरी एवरी। हाँ, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हो आप? नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप बिश्वास है और ये मेरा वाइफ है संगीता देवनाथ। हम लोग हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का हुगली डिस्ट्रिक्ट का चुचुड़ा में शहर में रहने वाला है और 27 अक्टूबर को हम लोग निकल चुके हैं घर से और हम लोगों का इंटेंशन है पूरा देश घूमने का। ये साइकिल में लगभग कितने किलोमीटर आप साइकिल में आ चुके हैं? आज तक 700 से ज़्यादा किलोमीटर। बीच में कोई तकलीफ हुआ? पैदल तकलीफ हुआ? कोई तकलीफ हुआ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुआ। छोटा मोटा हुआ लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये एक साइकिल में दोनों बैठते हैं? एक साइकिल में ही दोनों बैठते हैं, उस पर लगेज भी रहता है। क्या खासियत है ये साइकिल का? क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगा हुआ है यहाँ पर? ये बैटरी मोटर लगा हुआ है क्योंकि जो लोड है ये पैदल से चलाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए बैटरी लगाया। मैडम, आप ऑल इंडिया आप लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑल इंडिया कपल टूर लिखा हुआ है, इसका मकसद क्या है? हम लोग घूमना चाहते थे, हम लोगों को घूमने की शौकीन है और उसके बावजूद हम साइकिल चूज़ किए, इसलिए ये साइकिल पूरा पॉल्यूशन फ्री है। इससे पहले हम लोगों के पास गाड़ी था, वो बेच के हमने साइकिल को तैयार किया। हमारा बजट के हिसाब से साइकिल भी बैठता है और जो हम लोग एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम चाहते थे उसको सुंदर बना के रख के हम घूमें। और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया का लोग खूबसूरत है और कई कई जगह तो इतना नेचुरल है जो शायद साइकिल के घूमने की वजह अगर साइकिल से नहीं घूमते तो देख नहीं पाते। अभी आप आगे कहाँ जाएंगे या पूरी में ठहरेंगे? नहीं, आज तो पूरी से हम निकल के चिल्का की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर आंध्रा में घुसेंगे, आंध्रा कवर करेंगे। पूरा कोशिश है कि साउथ करके फिर नॉर्थ की तरफ चले। तबीयत अगर सही से रहा, किस्मत आप लोगों का साथ। जो बात आप बता रहे हैं लगभग 1000 किलोमीटर आपके लक्ष्य है, शायद उससे भी ज़्यादा। हाँ, मैं पूछना आपसे चाहता हूँ, अगर बीच में रास्ते में कोई साइकिल लीक हो गया, पंक्चर हो गया, तो ये कैसे रिपेयर होगा? इसलिए ही तो साइकिल चूज़ किया। अगर बाइक पंक्चर हो गया, साइकिल में घूमने से लोकल वाला फीलिंग्स आता है, लेकिन साइकिल अगर साइकिल पंक्चर हो जाएगा तो हर जगह में साइकिल ठीक रिपेयरिंग सब मिल ही जाता है। आपके कोई इंस्ट्रूमेंट्स है? हाँ, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है। अगर बाई चांस नहीं मिला तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, रिपेयर वाला आदमी मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो मैं ही खुद रिपेयर कर लूँगा। घूमने का मजा किस तरह है? बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये, बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस है एकदम। हम जब बालासोर में घुसा उड़ीसा में, तो एकदम सी बीच में, डोगरा सी बीच के अंदर आगे नारायणपुर सी बीच रहता है, वो उधर गए थे, तो एकदम नेचुरल एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। ये आगे जो मोबाइल रखा हुआ है ये क्या लोकेशन ट्रैक करने के लिए? लोकेशन ट्रैक करने के लिए। ये और भी तकलीफ इजी हो सकता है। हाँ। ये हॉर्न कहाँ पर है? ये बड़ा हॉर्न है। मैडम, आपको कैसे लग रहा है आपका पतिदेव के पीछे बैठकर साइकिल में घूमना? ये क्या हम पहले सोचे थे जब निकले थे तब इतना सुंदर सफर होगा, कभी सपने में भी नहीं कल्पना किए थे। लेकिन आप इतना सुंदर सफर, आप पूरा देश तो घूमना कैसे भी करके घूम, तबीयत अगर सही ना भी रहे तो दोबारा हम कोशिश करेंगे और चलेंगे। 700 किलोमीटर से ज़्यादा आप आ चुके हैं, रास्ते में कोई तकलीफ हुआ? नहीं, 1-2 बार लीक हुआ है और जो मदद कर लोग मिले ना, मतलब लोग कहते हैं दुनिया ख़राब है, दुनिया इतनी अच्छी है, हर जगह अगर घूमेंगे तो सब अच्छे लोग ही मिलेंगे। अभी इतना 19 दिन हम कवर कर रहे हैं, एक भी कोई भी एक खराब लोग नहीं मिला और सब जो मिला सब मदद का। ये आप जानते हैं ये पुरी में महाप्रभु जी का धाम है, सिकेतर धाम है। आप चाहेंगे तो महाप्रभु जी के दर्शन भी कर सकते हैं। एकदम मैंने किया। हम इधर जो आश्रम में ठहरे थे, आश्रम वाला भैया भी हम लोगों को दिल से, मतलब जिस दिन घुसे थे रात 11 बज गए थे, वो किसी को नहीं गेट खुल के घुसाते थे, लेकिन हम लोगों को देख के इतना हेल्पफुल आदमी था कि हम लोगों का मन जीत लिया। रात में आप सफ़र करते हैं, रात में कहीं ठहर जाते हो? ठहर जाते हैं, लेकिन उस दिन प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा साइकिल का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए लेट हो गया था। ये बहुत सुंदर प्रयास है आपका। एक्चुअली मैसेज क्या जाना चाहता है? ये हमारा दो मोटो है, एक है तो साइकिल में निकला इसलिए पॉल्यूशन फ्री, और तबीयत तो ज़रूर अच्छा रहेगा साइकिल में, और हमका जो मोटो है वो है लेस यूज़ प्लास्टिक। ये हम नहीं कह सकते कि प्लास्टिक यूज़ करना पूरी तरीके से बंद कर दो, लेकिन जितना कम हो सके, हाँ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह बंद करना चाहिए, क्योंकि हम जो बीच में देखा, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखा कि प्लास्टिक बहुत ही सारा पॉल्यूशन फैलता है उससे। गर्व की बात है, यहाँ पर भारत का झंडा आपने लगा हुआ, ये सबसे गर्व की बात है। मैं और आप रहे ना रहे, ये देश तो रहना चाहिए। So we can say we are proud of Indian. Oh yes, obviously we are proud to be an Indian. Okay, देखते हैं आप अपन देखिले सीधा सड़क दृश्य मधे हमें देखौतलु साइकल ले दुई जन कपुल स्वामी स्त्री दंपति आसीचंती पश्चिम बंगर हुगली रु पुरी आसीचंती 700 किलोमीटर ऊर्ध्व एवं जो वार्ता जाउची तांकर पॉल्यूशन फ्री करा जीव प्रदूषण रु मुक्त होई परिबा एवं शरीर मधे भलो रहबो तबे निहाती बापर आगु को मधे तांकर डेस्टिनेशन रहिछि लक्ष्य रहिछि सेमाने चिल्का जिबे एवं चिल्का रु सीधा सड़क पुनर्बार पश्चिम बंग को प्रत्यावर्तन करबे निहाती बापर आमे आर्गस न्यूज माध्यम रे सेमानन को आशा करिबा सेमानकर यात्रा अत्यंत सफल हो एवं महाप्रभु को डोरी लागितो पुनर्बार से पुरी आसंत एवं तांकर यात्रा किबो सफल होई परिबा सेने मधे आमे महाप्रभु निकटरे प्रार्थना करिबा। पुरी भिडियो जर्नलिस्ट गणेश दास, आलोक सूतोष, अर्गस न्यूज।